वैसे अभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट लेकर आई हूँ। मैंने ना बहुत लोगों से सुना है जब वो पुराना फोन से नए फोन पे आते हैं तो उनको व्हाट्सएप की जो चैट हिस्ट्री है उसको ट्रांसफर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी तक क्या प्रोसेस था कि आपको अगर व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री ट्रांसफर करनी होती थी तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ड्राइव पर चैट हिस्ट्री का बैकअप लेना होता था, फिर जब आप व्हाट्सएप को दूसरे फोन में इंस्टॉल करते थे तब आपको गूगल ड्राइव के जरिए उस चैट हिस्ट्री को दोबारा से बैकअप लेना होता था व्हाट्सएप के साथ। तो ये जो प्रोसेस था ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस था, तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता था। लेकिन इसी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए अब व्हाट्सएप नया फीचर लाने वाला है जिसमें अब आपको ये गूगल ड्राइव पर बैकअप नहीं लेना है या किसी भी चैट का बैकअप नहीं लेना होगा। तो सिंपली अब आप व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री को QR कोड से स्कैन करके दूसरे फोन में ट्रांसफर कर पाएंगे, तो बहुत ही सेकंड्स में आपका ये काम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि ये जो सेटिंग है QR कोड स्कैन वाली जो सेटिंग है ये आपको व्हाट्सएप सेटिंग्स में दी जाएगी। तो सिंपली जैसे आपका जो पुराना फोन है और नए फोन में आपने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है तो आपको क्या करना है, पुराने फोन को फॉर्मेट करने से पहले QR कोड से स्कैन करके वो जो चैट हिस्ट्री है वो सारी आपकी नए फोन में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें कम टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा और इसमें जो बैकअप वाला खेल है ना वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप अपनी जो चैट हिस्ट्री है उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। हालांकि ये एक अपकमिंग फीचर है व्हाट्सएप का जिसको व्हाट्सएप जल्द ही अपने नेक्स्ट अपडेट में जारी कर सकती है। तो उसके लिए व्हाट्सएप ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि जल्द ही ये QR कोड स्कैन वाला जो फीचर है ये व्हाट्सएप में रोल आउट किया जा सकता है। तो इससे ना उन लोगों का बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट बचेगा, तो जल्दी जल्दी फोन चेंज करते हैं। या आपको अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तक आपने अपने पुराने फोन से नए फोन में अपना व्हाट्सएप का चैट हिस्ट्री बैकअप नहीं लिया था, तो ये काम अब आप कर पाएंगे। सो इस फीचर के लिए आपको ज्यादा दिन का वेट नहीं करना है, ये फीचर अभी ट्रायल फेज में है, जल्दी इसको स्टेबल वर्जन के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा और हम सभी यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ना टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहता है, नया बनाता रहता है और साथ ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखता है। जैसे मैं आपको एक सिक्योरिटी फीचर बताती हूँ, पहले ये फीचर एंड्रॉइड में था, अभी आईफोन में भी आ चुका है कि आप किसी के व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। तो आप जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो चुका है। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा और उसमें जो फोटो है उसमें जो प्रोफाइल फोटो है वो नहीं दिखेगी और साथ ही जिस यूजर की प्रोफाइल फोटो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसको ये अलर्ट जाएगा कि आपकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। हालांकि ये जो फीचर है ये अभी ट्रायल फेज में, ये भी एक अपकमिंग फीचर है जो जल्दी आपको व्हाट्सएप में देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है ऐसे फीचर्स ना जरूरी भी है, तो इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहती है। साथ ही ये जो चैट हिस्ट्री वाला फीचर मैंने बताया ये काफी टाइम बचाने वाला फीचर है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप का जो QR कोड बेस्ड फीचर है क्या सबके लिए हेल्पफुल होगा? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इस फीचर का वेट कर रहे थे? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक ओपिनियन जरूर दें, साथ ही व्हाट्सएप लवर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, इसको लाइक भी करें और इस तरह के ना लेटेस्ट और ट्रेंडिंग वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो उसके लिए बस सिंपली आपको हमारा चैनल जाते जाते सब्सक्राइब कर देना है।